नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने एक ऐसे उपक्रम का उद्घाटन किया जो उपक्रम अपने आप में विशेष है। आपको बता दें, 1 अक्टूबर 2020 से जब से आयुक्तालय का गठन हुआ है तब से आयुक्त सदानंद दाते जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस आयुक्तालय की हद में क्राइम रेशियो कम हो और नागरिकों में एक तरफ कानून के प्रति विश्वास हो तो वहीं दूसरी तरफ जो अपराधी है उनमें कानून का डर हो। हालांकि फिलहाल पुलिस की अपनी कोशिश जारी है, आयुक्तालय की अपनी कोशिश जारी है और कुछ हद तक क्राइम पर शायद थोड़ा अंकुश नहीं लग पाया है, लेकिन क्राइम के डिटेक्शन का रेशो काफ़ी बड़ा है, इस बात में कोई दोराय नहीं है। और ये जो डेटा है आयुक्तालय द्वारा जब एक साल पूरा हुआ था उसमें जारी किया गया था, उसमें भी सामने आया है। हम आज की बात करें तो आज आयुक्तालय के अंतर्गत एक ऐसा नया उपक्रम शुरू किया गया है। उस उपक्रम का नाम है भरोसा सेल। विशेष तौर पर एक सेल तैयार की गई है। वैसे हर एक नागरिक को पुलिस सहायता मिले, मदद मिले, इसके लिए पुलिस का पूरा अमला काम करता है, लेकिन ये भरोसा सेल जो है खासकर महिलाएं, छोटे बच्चे और वृद्ध लोगों के लिए स्पेशल एक छत के नीचे उनको सुविधाएं मिल सके इसके लिए तैयार की गई है। इस भरोसा सेल में महिलाएं आकर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकती है, बच्चों से रिलेटेड और बुजुर्गों से रिलेटेड उनकी भी परेशानियों का निराकरण होगा। साथ ही कल 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे है, जागतिक महिला दिन जिसको हम मराठी में कहते हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने एक बुक जारी की है। आप देख सकते हैं ये बुक। इस बुक के अंदर महिला, बालक और ज्येष्ठ नागरिक के हक और अधिकार के बारे में थोड़ा लिखा गया है कि उनके क्या हक है, क्या अधिकार है, उसकी पुस्तिका है। इसके अनुक्रमणिका आपको दिखा रहा हूँ, ये अनुक्रमणिका देखिए। इसमें पहले नंबर पे कायदे विषयक थोड़ी की माहिती यानी कायदा हमारा कानून क्या है उसकी जानकारी है। दूसरे नंबर पर है महिला के हक और अधिकार है, पेज नंबर 18 से 21 तक। पेज नंबर 6 से 17 तक कायदे की जानकारी थी, अलग अलग उसमें अलग अलग कानून की जो कलम है उसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरे में महिला के हक और अधिकार है, 18 से 21 पेज नंबर। तीसरे में बालकों के हक और अधिकार है, पेज नंबर 22 से 24 तक। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर ज्येष्ठ नागरिक के हक और अधिकार है, 25 से 27 नंबर तक। उसके बाद पाँचवें नंबर पर FIR कुठे और कसा नोंदवा, सामान्य इंसान को FIR किस तरह से और कहाँ करवानी है उसकी जानकारी है, 28 से 32 तक। पेज नंबर 28 से 32 चार पेज के दरमियान में। उसके बाद में छठे नंबर पर महिला, बालकों और ज्येष्ठ नागरिक यांचे करिता रावणवाद यानारे उपक्रम, पेज नंबर 33 से 41 के बीच में महिला, बालक और ज्येष्ठ नागरिक के लिए किन किन तरह के उपक्रम आयुक्तालय के अंतर्गत चल रहे उसकी जानकारी है। और लास्ट में पेज नंबर 42 पर सातवें नंबर का जो है भाग, उसमें ये संपर्क पुटे साधावा, कहाँ पर संपर्क करना है तो उसका जानकारी है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है। तो काफ़ी बेहतरीन ये पूरी बुक है और कहीं ना कहीं आयुक्त सदानंद दाते साहब का जो ये पूरा उपक्रम है वो एक बड़ी पहल है। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अपने आप में पहला आयुक्तालय है जहाँ पर ई शिकायत जो है वो पहले से जारी है और अब ये भरोसा सेल। इस तरह से कहीं ना कहीं अच्छे कार्यक्रम मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की ओर से हो रहे हैं। देखिए इस कार्यक्रम के आज के उद्घाटन की झलक किया। और आपको ये भी बता दें कि ये भरोसा सेल आज से नहीं, पहले ही 1 अक्टूबर 2021 को ही घटित हो गई थी, लेकिन आज इसका विधिवत उद्घाटन करके लोगों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए इस प्रोग्राम की दिल किया, आज के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। काय संकल्पना आहे आणि कशा प्रकारे ती इथे राबवली जाणार आहे?
महिला, लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सुरक्षिततेबरोबरच त्यांच्या आयुष्याची क्वालिटी किंवा त्यांचं सर्वसामान्य कल्याण याच्याकरता शासनाचे विविध उपक्रम आहेत आणि त्या सगळ्या विविध उपक्रमांना एकत्र आणून त्यांना एक वाट दाखवण्याचं काम इथे फक्त गुन्हेगारी स्वरूपाचा प्रश्न आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांना मदत करण्याचं काम अशा स्वरूपाचं काम भरोसा सेलचं आहे. याच्यामध्ये पोलिसांबरोबरच जे मानसेवी वकील आहेत, समुपदेशक आहेत, डॉक्टर्स आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्या सगळ्यांचा आम्हाला उपयोग होत असतो. आपण गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये ही सेल भाईंदर इथे सुरू केली, मीरा भाईंदर क्षेत्रासाठी, आणि इथूनसुद्धा मागणी होती आणि आपण ती आज येणाऱ्या महिला दिनाच्या निमित्ताने वसई विरार भागासाठी सुरू केली. वसई विरारसाठी किती अशा सेल आहेत? नाही, भरोसा सेल एकच आहे आणि जसे पोलीस स्टेशनमध्ये महिला अधिकारी आहेत, अंमलदार आहेत, पण समुपदेशन जे पोलीस ठाण्यामध्ये केलं जाऊ शकत नाही ते आता इथे आम्ही वसई विरार क्षेत्रासाठी. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.